सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कम करो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, काढ़े वाले पदार्थ की कीमतें कम करो। मौजूदा जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, आज उसने सीमा हर सीमा को पार कर दिया है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। जो मैंने नींबू पकड़े हैं आप देख रहे हैं, ये 320 रुपए किलो हैं, 320 रुपए किलो नींबू का भाव है। तेल आप देख रहे हैं रोज का रोज बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल, खाने वाला तो सरसों का तेल है वो ही सीमा पार कर गया है। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट चलती है तो ठीक है, नहीं तो आप सब लोग इस्तीफे दो और देश की बदतर हालत बनने से बचाओ। आप देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर आज क्या हाल हो रहा है, वही हाल हमारे देश का होने वाला है। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग जितने भी हैं आज, हाँ आप लोग जो मार खा रहे हैं ये सिर्फ आपकी कमजोरी है। आप बाहर आइए ताकि इस गवर्नमेंट को पता चले कि गवर्नमेंट किस तरह से चलती है। आपने 60 साल उस यूपीए का राज देखा, इन्होंने 60 साल में उन पर बदनामी लगाई कि हर बार रेट बढ़ रहे हैं जी, पेट्रोल बढ़ रहा है जी, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन मोदी जी ने एक बात कही थी, आप सब लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मैं 7-8 साल में करके दिखाऊंगा। दोस्तों आज देश उसी हालत पर है कि उन्होंने जो कहा था वही पूरा कर रहे हैं कि कांग्रेस यूपीए सरकार इतनी महंगाई नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने 7 सालों में एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, रोजी रोटी जो है वो नसीब होना मुश्किल हो गई है। आज गरीब आदमी को देखो जो दिहाड़ी लगाता है, उसको पूछो जो 300 रुपया दिहाड़ी लगाता है, 300 रुपये में वो बच्चे को क्या खाना खिलाएगा, क्या एजुकेशन देगा, क्या उसका कपड़े लत्ता पूरा करेगा, ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। दोस्तों और साथियों, मैं आप सबके माध्यम से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरी है इसी बात के लिए कि महंगाई को केंद्र सरकार कम करे, हर एक जरूरत की चीज़ों को वो कम करे, यही हमारी डिमांड है। मैं बसंत राम ब्लाक सदर, ये तो ये दिख लो सब्जियों के भा 100 रुपया किलो भिंडी है, इस सरकार दे आने करने इन्नी महंगाई बधी है, बेरोजगारी बधी है, अज युवा पीढ़ी इन्नी सड़कें पर आई दी है कि आत्महत्या करने ये लोग तैयार हो गए हैं। ये सब्जियां देखो एक ही 60 रुपए किलो की है, टमाटर दे रेट 60 रुपए इस टाइम चला दा, कदे 100 की पार करी जांदा, लेकिन ये सरकार दे हुंदे इन्नी महंगाई वधी दी है। ये सरकार ने इस महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। डीजल पेट्रोल दे रेट दी देखो हर रोज़ 80 पैसे, 1 रुपया, 50 पैसे, ये इन्हें एक कोई टीचा बना लेता है कि जे तुसीं बधाणा है ते इक्को बारी कोई 200 रुपया रेट करी ओड़ो, लोगों को पता लगे भी ये सरकार साड़ी कितनी काबिल है। मैं इस सरकार की नैशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों निंदा करना, क्योंकि इन्हें बेरोजगारी की इन्नी क धकेले कि हद तो पार। जय हिंद, जय भारत।